नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप लोगों को मटर को जो है साल भर तक कैसे रख सकते हैं फ्रेश और उसको किस तरह बनाया जाता है, मैं वो आपको उसकी वीडियो आपको बना के दिखा रही हूँ। ये मैंने 2.5 किलो के करीब मटर हैं, मैंने छील छाल के रख दिए हैं। और इन मटर को जो है छीलने के बाद जो है मैं ये मैंने पानी बॉईल करने रखा हुआ है, ये पानी बॉईल हो गया है। अब ये मटर जो है मुझे ये इसमें डालने हैं। और ये मटर मैंने ये सब इसमें डाल दिए, ये पानी मेरा बॉईल हो गया। इसको थोड़ी देर उबालना है, हल्का सा बॉईल आ जाए तो मैं इनको फिर निकाल दूंगी। और ये मटर जो है ऐसे करके हम इसको साल भर तक इसको हम फ्रीजर में स्टोर करके रख सकते हैं। और ऑफ सीजन में जब ये मटर वगैरह नहीं मिलते हैं, सफल मटर लेके आते हैं, तो ये सफल मटर जैसे ही बन जाते हैं, घर में ही बना लो सफल मटर और उसको जो है ऑफ सीजन में हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये मटर जो है मेरे एक बॉयल आ गया पानी, ये एक बॉईल पानी आने तक ही इसको बना पकाना है, ज़्यादा नहीं पकाना है मटर को। और इसको जो है अब मैं गैस को बंद कर देती हूँ और इसको फटाफट जो है, ये टब में मैंने ठंडा पानी रखा है, इसको जो है मेरे को ठंडे पानी में डालना है। इसको एक दो बार ठंडे पानी से धो के फिर थोड़ी देर के लिए ऐसे कपड़े में फैलाना है। ये जो है ये मटर जो है मैंने ऐसे दो बार ठंडे पानी में धो के ऐसे थोड़ी देर के लिए फैला दिए। ये जैसे थोड़ा सा कॉटन के कपड़े में, इससे क्या होगा जो हल्का सा इसमें पानी होगा वो उसमें सब कपड़ा सोख लेगा और जो है ये मटर हमारे एक साल तक के लिए रखने के लिए तैयार हो गए हैं। हम इनको जो है थोड़ी देर में पंखा चला के, पंखा चलाना पंखा चला लो नहीं है कोई नहीं, थोड़ी देर ऐसे 10-15 मिनट इसको ऐसे कपड़े में पोंछना है और उससे जो है ये मटर तैयार हो जाते हैं। और ये चीज़ें जो है हम बना के रखेंगे तो हमें ऑफ सीजन में कई चीज़ें नहीं मिलती हैं, तो उसके लिए जो है हमारे पास ये पहले से ही रखे रहते हैं, तो हम लोग इसको ऑफ सीजन में इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये मटर जो है मेरे, ये मैं इस टाइप की पन्नी में, जिप वाली पन्नी में मैं इनको स्टोर कर दूंगी। ये इस टाइप की पन्नी आपको मार्केट में मिल जाएगी ये स्टोर करने के लिए मटर को। और ये मटर जो है मैंने इसमें ये पैक कर दिए। ये अभी जो है अब ये तो 2-2.5 किलो मटर ही है, अभी मैं बहुत सारे मटर, मैं करीब 10-15 किलो के करीब मटर और वो करके, तो तब मैं इनको पैक करूंगी। अभी ये 2.5 किलो 2-2.5 किलो मटर हैं और ये जो हैं मैंने सब तैयार करके ये आपको दिखाया, आपके लिए वीडियो बनाई कि आप भी इसको बनाएं और रखें, स्टोर करें सामान जो है मटर वगैरह, कभी ऑक्सीजन में खाने के लिए बहुत अच्छे होते हैं। और आप भी बनाइए और कैसे लगे, कैसा लगा ये वीडियो आप मुझे बताएं। और ये मटर मैंने फ्रीजर में रख दिया, ऐसे ही करके मैं इसको सब जो है सारा भर दूंगी फ्रीजर को। उसके बाद जो है ऑफ सीजन के लिए मेरी मटर गोभी तैयार हो जाएगी।